नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार शर्मा अपने YouTube चैनल अभिनव केमिस्ट्री पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज जो है हम सेट भर्ती परीक्षा 2013-14 का जो अंतिम पेपर था, मतलब फर्स्ट पेपर था, जनरल पेपर फॉर टीचिंग एंड रिसर्च एटीट्यूड का, वो पेपर हम निकालने जा रहे हैं। इसमें टोटल 60 प्रश्न पूछे गए थे। ये सभी विषय के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पेपर को सभी को सॉल्व करना चाहिए। सभी सब्जेक्ट जो हैं हमारे, जितने 33 विषय का एग्ज़ाम कराने जा रही है RPSC स्कूल कॉलेज लेक्चर का, तो उनके लिए सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। पहला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। तो शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य जो है वो है पाठ्यक्रम संबंधी सूचनाएं देना, बिल्कुल, छात्रों पर टिप्पणियां लिखना, बिल्कुल, छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना। तो ये आंसर जो है सबसे बेस्ट आंसर है। तो इसका आंसर जो होगा, थर्ड नंबर का आंसर इसका आंसर हो जाएगा कि छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास करना। क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर चलते हैं मित्रों। आप अपनी जीविका हेतु शिक्षण व्यवसाय क्यों चुनते हैं। ये क्वेश्चन 2012 वाले भी रेट में भी पूछा गया था कि शिक्षण का ही व्यवसाय क्यों चुनना चाहते हैं। एक बार मैं लाइट जला देता हूँ थोड़ा सा। हाँ, शिक्षण व्यवसाय ही क्यों चुनना चाहते हैं। तो इसका कारण है दोस्तों कि शिक्षक को हमारे समाज के अंदर सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, बहुत ही जो है उनको अच्छा संवारा जाता है, इसलिए शिक्षण व्यवसाय को मैं अच्छा मानता हूँ। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है, एक मिनट थोड़ा सा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रभावी शिक्षण के लिए निम्नलिखित कौन सी विशेषता आवश्यक नहीं है। तो प्रभावी शिक्षण के लिए विषय वस्तु की जानकारी होना बहुत जरूरी है, सही है। शिक्षक का आत्मविश्वास होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। सब कक्षा व्यवस्थापन और शिक्षण की जानकारी होनी चाहिए, ये भी है। लेकिन सभी विषय का जानकारी होना ये आवश्यक नहीं है। तो इसके अंदर जो है आपका तीन नंबर का ऑप्शन जो है आपका वो हो जाएगा कि सभी विषय का ज्ञान होना ये आवश्यक नहीं है कि प्रभावी ज्ञान, प्रभावी एक शिक्षक को सभी विषय का ज्ञान हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, उसे अपनी विषय वस्तु का ज्ञान होना ज़्यादा जरूरी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है, शिक्षण सामग्री शिक्षक की सहायता करती है शिक्षण को रुचिप्रद बनाने में लिए, बिल्कुल सही है। पाठ को सजाने में नहीं, स्वयं की साख बढ़ाने में। तो पहला ऑप्शन इसके अंदर बिल्कुल सही है कि यदि अच्छी शिक्षण सामग्री होगी तो शिक्षण जो है रुचिकर होगा, और दूसरी बात है कि अच्छा प्रकार का बच्चों को अच्छे समझ में वो है शिक्षण समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि कौन सा विकल्प शिक्षक के कार्य को नहीं दर्शाता है। अधिगम सुगमता बनाना, अनुदेशात्मक संसाधन का प्रबंधन, पाठ्य क्रियाओं का समन्वय और छात्रों का मनोरंजन। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो ये गलत ऑप्शन को शो कर रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समूह शिक्षण में सभी निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं, दक्ष शिक्षक, शिक्षक दल, कठोर शिक्षण विधि और समूह नियोजन। तो कठोर शिक्षण विधि जो है ये सम्मिलित नहीं है, बाकी सब सम्मिलित है। तो इसमें सिवाय पूछा है, तो सिवाय के अंदर ऑप्शन जो है इसका अंदर तीन नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ज्ञान की खोज की जाती है पुस्तकालय में, कार्य क्षेत्र में, प्रयोगशाला में, उपरोक्त सभी। इसका आंसर जो होगा वो आपका ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है। सूचना का एकत्र करना, निष्कर्षों का मूल्यांकन करना, नवीन नियमों और सिद्धांतों का प्रतिपादन करना। तो तीन नंबर का ऑप्शन जो है इसका सही है कि नवीन नियमों और सिद्धांतों का प्रतिपादन जो होता है वो हम अनुसंधान के माध्यम से करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। यादृच्छिकरण एक उपाय है जो कि समाप्त करता है। यादृच्छिकरण को अंग्रेजी में बोलते हैं रैंडमनेस, और रैंडमनेस जो होती है मानवीय पक्षपात को जो है वो दूर करती है। तो इसका आंसर जो है मिन्नो, एक नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अनुसंधान में विशाल
अनुसंधान में अनुसंधान में विशाल न्यायदर्श होने के पर सर्वाधिक विधि है। तो इसके लिए सर्वेक्षण विधि जो है न्यायदर्श होने के लिए, सबसे अनुसंधान में जितना ज़्यादा सर्वेक्षण होगा, ऑब्जर्वेशन जितना ज़्यादा होगा वो न्याय उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसका आंसर जो है 3 नंबर का ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। एक परियोजना सैद्धांतिक अनुसंधान में विशेष रूप से भिन्न है। तो ये परियोजना जो होती है निष्कर्षों का प्रयोजनीयता में जो होती है ये विशेष रूप से भिन्न होती है, क्योंकि परियोजना में निष्कर्ष क्या रहेंगे इसका प्रयोजन जो होता है वो मुख्यतः साथ में रखा जाता है। तो 3 नंबर का ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत सरकार द्वारा 2010 की जनगणना में अनुसंधान की कौन सी विधि काम मिली थी? तो अनुसंधान के अंदर सबसे पता है सर्वे, यानी सर्वेक्षण, सर्वेक्षण विधि का सबसे ज़्यादा उपयोग जो है इसके अंदर हुआ था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला ये पैराग्राफ है जो मैं पढ़ देता हूँ आपके सामने, उसके बेसिस पे हमें आंसर देने पड़ेंगे। एक भारतीय के रूप में मैं उस संस्कृति का हिस्सा होने पर गर्व अनुभव करता हूँ जिससे गहरे पारिवारिक मूल्य स्थापित होते हैं। हम परिवार के प्रति जबरदस्त निष्ठा रखते हैं। माता पिता संतान के लिए बहुत त्याग करते हैं। वे तब उन तक उन्हें संभालते हैं जब तक वो आत्मनिर्भर नहीं हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। दूसरी तरफ संतान भी बूढ़े माता पिता की देखभाल करते हैं, अना अपना कर्तव्य मानती है। हम उक्तियों पर विश्वास रखते हैं, माँ देवी व पिता भगवान होते हैं। भाई बहनों को आपसी त्याग, भाई बहनों का आपसी त्याग शादी का पवित्र बंधन माना जाता है। पत्नी पति पत्नी से आशा की जाती है कि वे जीवन भर साथ रहेंगे। संयुक्त परिवार में सभी सदस्यों के कल्याण के लिए करेंगे। हमारे पारस्परिक जीवन में इतना अधिक प्रेम और स्नेह है। तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके आंसर हम दिए देंगे। इस परिच्छेद में चर्चा का मुख्य विषय है, तो परिवार चर्चा का जो है गहन पारिवारिक मूल्य, सामान्य मूल्य, पारिवारिक सदस्य आपसे बंद। तो गहन पारिवारिक मूल्य जो है इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य जो है वो रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, परिवार के कल्याण के लिए कौन योगदान देता है सर्वाधिक उपयुक्त उपयोग? तो परिवार के कल्याण के लिए पूरा परिवार ही लगा रहता है, इसलिए ये समस्त परिवार इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चुनकर यह बताइए कि भारतीय परिवार में कौन त्याग करता है? बहन भाई के लिए, बड़ा भाई छोटे भाई के लिए, छोटा भाई बड़े भाई के लिए, परस्पर? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो परस्पर इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। भारतीय परंपरा में विवाह कहलाता है, भारतीय परंपरा में वह एक पवित्र बंधन जो है कहलाता है। ये क्वेश्चन ऊपर से ही पूछा गया था, इसका आंसर जो है 4 नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संप्रेषण किया जाता है, मौखिक द्वारा भी किया जाता है, लिखकर भी किया जाता है, संकेतों के द्वारा भी किया जाता है, मुद्राओं से भी किया जाता है। तो चारों ही ऑप्शन इसके सही होने की वजह से 4 नंबर का ऑप्शन इसको हम कर देंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संप्रेषण आवश्यक है आत्म अभिव्यक्ति के लिए, बिल्कुल सही है। व्यापार और वाणिज्य के लिए, बिल्कुल सही है। दिन प्रतिदिन की गतिविधियों के लिए, तो मैंने लगता है चारों ही ऑप्शन जो है इसके बिल्कुल सही हैं, सभी के लिए संप्रेषण आवश्यक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रीजनिंग से कुछ क्वेश्चन आए हैं जिनको हम सही करते हैं। देखो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो है वो गलत है। तो देखो 445 में से 3 घटाओगे तो 3 घटाने पर 442 आ जाएंगे, और इसमें 2 का भाग दोगे तो 221 आ जाएंगे। इसी प्रकार से 221 में से 3 घटाओगे तो आपके पास में 218 आ जाएंगे, और इसमें 218 में 2 का भाग दोगे तो 109 आएंगे, और 109 में से 3 घटाओगे तो 106 आएंगे, और 106 में 2 का भाग दोगे तो 53 आएंगे। तो 46 की जगह कितने आने चाहिए? 53। इसी प्रकार से 53 में से 3 घटा के 2 का भाग दोगे 25। तो ये 46 वाला जो ऑर्डर है वो सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन जो है आपके पास में 46 वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें से क्या मिसिंग है?
देखो जीरो और छः के अंदर जो है छः का डिफरेंस है। छः और बीस के बीच में जो है आपके, छः और बीस के बीच में आपके कितने का अंतर हो गया, 14 का डिफरेंस हो गया, और 20 और 42 के बीच में आपके, देखो इस सुनो, इसमें जीरो और सिक्स में सिक्स का अंतर है, सिक्स और 20 में 14 का अंतर है। तो 14 और 20 और 42 के अंदर जो है 22 का अंतर है। तो देखिए पहले में जो है सिक्स, और सिक्स में हमने एट जोड़ा तो कितने हो गए, डिफरेंस कितना गया 14 का। फिर इसमें 14 में फिर हमने एट जोड़ा तो 22 हो गया, और 22 में फिर एट जोड़ेंगे 30, मतलब अगली जो संख्या है उसमें 30 का डिफरेंस रहेगा। तो 42 + 30 कितने हो गए, 72। तो इसके अंदर ऑप्शन जो है, फर्स्ट ऑप्शन जो है 72 आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। यह है कि दो अंतर जो है, सभी संख्या जितना का अंतर आ रहा है सभी में आठ आठ का अंतर बढ़ाना है। जैसे जीरो और छः, और छः और बीस में कितने का, 14 का। तो 14 और सब में एट एट बढ़ रहे हैं, डिफरेंस जो है एट एट का, मतलब जो अंतर है अंतर में एट जोड़ना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि सिंडिकेट को हमने SYTEND ये लिखा है, तो उसी प्रकार में, तो देखो इसमें क्या लिखा है कि पहले अक्षर में तो कोई चेंज नहीं करना है, तो पहला अक्षर ऐसे कैसे लिख दो, उसके बाद में जो SY पहला और दूसरा अक्षर में कोई चेंज नहीं किया तो ऐसे कैसे लिख दो। फिर इसने क्या किया है कि अंत के जो वर्ड हैं, सॉरी अंत के जो वर्ड है TE को आगे लाके रख दिया इन्होंने, तो हम भी यही करते हैं, PSIC को लग देते हैं। तो PSIC हो गया इसके अंदर चौथे नंबर के ऑप्शन में, और तीसरे नंबर के ऑप्शन में PSIC मिल रहा है। फिर उसके बाद में इन्होंने क्या किया है कि ये जो NDI है इसको इन्होंने क्या लिख दिया, ND, एक मिनट, SYTENDC लिख दिया, मतलब N को ऐसे कैसे लिख दिया, SYTEN को ऐसे कैसे लिख दिया, PSYCTOH। तो चौथे नंबर का ऑप्शन जो है इसके अंदर बिल्कुल सही बैठ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट इसमें लिखा है कि निम्न में से कौन से अक्षरों का समूह का दर्पण प्रतिबिंब समान है। तो AOVIVOA इनके दर्पण हमेशा बिल्कुल समान रहते हैं, तो तीन नंबर के ऑप्शन जो है इसके अंदर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वास्तुकार यदि भवन बनाता है तो मूर्तिकार क्या बनाएगा, मूर्तिकार जो है आपकी प्रतिमा का निर्माण करेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि यदि ऊर्जा को जूल में मापते हैं तो किसको सही है, कौन सही है, तो प्रतिरोध को जो है हम ओम में मापते हैं। तो चार नंबर का ऑप्शन इसके अंदर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा ट्राइंगल कहाँ है, तो इसके अंदर टोटल आप ट्राइंगल गिन लेना, 28 ट्राइंगल होंगे। और ज्यादातर एक ट्रिक बताता हूँ, इस प्रकार से यदि एंगल पूछो तो मैक्सिमम नंबर वाला जो ऑप्शन होता है वो इसका सही आंसर होता है, हमेशा 99% होता है, 1% चांस नहीं भी हो सकते, लेकिन आप करना चाहो, रिस्क लेना चाहो तो ऐसे ले सकते हो। अब ये क्वेश्चन देखिए, दो कथन दिए हुए, कथन फर्स्ट और कथन सर, आपको कथनों का सत्य मानकर विचार करना है, सत्य मानना है इनको, आपको निर्णय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में कौन सा निष्कर्ष कथनों के आधार पर दिया गया है। कुछ पुस्तकें मेज हैं पहला, और कुछ मेजें दर्पण हैं, इन दोनों ऑप्शन को देखना है। तो या तो निष्कर्ष फर्स्ट या निष्कर्ष सेकंड सही निकलता है, दोनों में दोनों एक साथ सही निकलेंगे तो इसका थर्ड वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये एक दिया हुआ है, और इसमें क्वेश्चंस के अंदर जो है आपको त्रिभुज जो हो रहा है, त्रिभुज का जो चित्र दिख रहा है उसमें डॉक्टर है, और जो वृत्त है मतलब गोला जो दिख रहा है वो आपका खिलाड़ी है, और आयत जो है वो आपका कलाकार है। तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बताना है कि इनमें से कौन सा अक्षर जो है खिलाड़ी, कलाकार और डॉक्टर तीनों हैं। तो ई देखो गोले में भी है, त्रिभुज में भी है, और आयत में भी है, तो चार नंबर का ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। आप देख सकते हो कि ऐसा कोई कैंडिडेट बताना है जिसको डॉक्टर, जो डॉक्टर है और साथ में खिलाड़ी और
कलाकार भी है, तो वो ऑप्शन में ई देखो आपके पास में घोड़े में भी है, त्रिभुज में भी और आयत में भी प्रेजेंट है, तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अक्षर जो खिलाड़ी के साथ केवल कलाकार को करता, मतलब डॉक्टर त्रिभुज को हटा दो, त्रिभुज नहीं होना चाहिए, तो आपके सामने देखो आप एफ जो है, एफ घोड़े में भी है और आयत में भी है, तो एफ ऑप्शन हो जाएगा जो इसके आंसर पर सेट करेगा कौन सा अक्षर जो केवल खिलाड़ी और कलाकार है, तो एफ ऑप्शन जो है इसका इसका आंसर एफ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन हो गए हैं वो। अब ये देखिए इसमें अपन को वही वाला क्वेश्चन आया है कि जिसमें एम ओ क्यू एस ए सी ई जी, देखो ए सी ई जी में 12 12 जोड़ोगे तो एम ओ क्यू सी आ जाएगा, इसी प्रकार से पी आर टी वी में से 12 12 घटाओगे तो डी एफ एच आ जाएगा, तो आप घर पे थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेना, ये हो जाएगा आपसे, नहीं हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगला क्वेश्चन है कि यदि परमानेंट इज कूल्ड एज, ये परमानेंट को इसने ये लिखा है, तो इन्होंने क्या किया है कि पीछे के अक्षरों को किया है, तो देखो इसके अंदर क्या है, पी ई आर है, तो इसको क्या लिख दिया, आर ई पी, मतलब तीसरे पक्ष को तीसरे को आर ई पी, तो हम क्या करेंगे, आर आई डी कर देंगे। और उसके बाद में ऐसे ही करते करते आगे चलेंगे तो हमारे पास में 2 नंबर का ऑप्शन आ जाएगा, बिल्कुल इजी, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, घर बैठ के करोगे तो आपसे ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि भाई 4 8 12 24 36 17 में मिसिंग वर्ड ढूंढना है, तो देखो 4 और 8 में 4 का अंतर है, फिर 4 का अंतर है, तो पहले 2 संख्याओं में 4 4 का अंतर है, दूसरी 2 संख्याओं में 12 12 का अंतर है, और लास्ट की जो है उसमें 36 नंबर का है, तो 36 और 36 होंगे, तो 72 में भी कितने का अंतर होगा, 36 का, तो 36 72 में 36 जोड़ोगे तो कितना होगा, 108, तो 4 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए इसमें कैसे कैसे करोगे, 4 4 12 12 और 36 36, इससे आंसर निकल जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, इनमें से असंगत है, देखो आयत वर्ग घन ये जो है 2 डायमेंशनल डायग्राम, आयत वर्ग और त्रिभुज 2 डायमेंशनल है, मतलब पेपर पर जो है हम उनको कर सकते हैं, लेकिन घन जो होते हैं 3 डायमेंशनल होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन 3 नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। उस शब्द युग्म को चुनिए जो अलग है, देखो पुस्तकों में पन्ने होते हैं और कार में पहिए होते हैं, टेबल में दराज होती है, लेकिन लूम के अंदर कमरा, लूम जो होती है वो बकरियों वगैरह को चराने के काम में आती है, तो इसमें कपड़ा नहीं होता है, तो ये ऑप्शन 4 जो है वो असंगत आंसर है। अब इनमें से कौन सा असंगत है, देखो आलू गोल होता है, चुकंदर भी लंबी होती है, मूली भी लंबी होती है और गाजर भी लंबी होती है, तो इनकी आकृति के बेसिस पे यदि इनको छांटे तो आलू की आकृति अलग होती है और इनकी आकृति जो होती है वो अलग होती है। औगी वक्र हमें प्राप्त होते हैं, तो औगी वक्र जो होते हैं से कम और से ज़्यादा वाले, वो माध्यमिक माध्यिका से मिलते हैं, दशमक से मतलब डेसिल से मिलते हैं और परसेंटाइल से मिलते हैं, तो इसके अंदर 4 नंबर का ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, प्रायोगिक अनुसंधान के काम में समांकों को प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि है, तो प्रायोगिक समांकों को प्राप्त करने के लिए सबसे विधि जो होती है वो परीक्षण विधि होती है, क्योंकि हम परीक्षण प्रयोग करते हैं तभी हमें समांकन मिलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, घरों चरों जिनके बीच में रेखीय संबंध होता है वह ग्राफ, देखो रेखीय संबंध एक्स के साथ में वाई बढ़ता है, तो सरल रेखा प्राप्त होती है, लीनियर लाइन, तो इसका ऑप्शन जो है 4 नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिखराव चित्र स्कैटर्ड डायग्राम जो होते हैं वो किस क्या होते हैं, बिखराव चित्र जो होते हैं सह संबंध निकालने में का एक ग्राफीय तरीका है, तो ये क्वेश्चन मैथ से आया है, थोड़ा सा स्टैटिक्स से क्वेश्चन आया है, 2 चरों के बीच में रिलेशंस क्या है उसके बीच का जो ग्राफिकल जो होता है उसको बिखराव चित्र हम कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इनमें से एक्स में जनसंख्या 60 है, वाई की 55,000 है, इनमें 1200 मर्दे है, इसमें 1150 मर्दे, तो देख आप परसेंटेज निकालोगे, जैसे इसके 1150 बटे 55,000 इंटू 100 तो 2.09% आएगी, और जबकि इसकी 1200 अपन 60,000 इंटू 100 करोगे तो 2% आएगी, तो वाई की मृत्यु दर जो है ज़्यादा, इन्होंने मृत्यु दर किसकी ज़्यादा है ये पूछा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग,
यदि दो गुणों वाले चरों में जिनके बीच में चरों में बीच में कारण प्रभाव संबंध ना हो तो उस संबंध को क्या कहते हैं? तो इसके अंदर ना तो वो धनात्मक होता है, ना ऋणात्मक होता है, ना ही भ्रमित। तो उपरोक्त में से चारों में से कोई नहीं, तो ये चौथा उनका ऑप्शन इसका अंदर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आईसीटी से क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो तीन नंबर का ऑप्शन इसके अंदर सही होगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो होता है इसका आंसर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से एक कंप्यूटर का भाग नहीं है सिवाय, तो स्कैनर, सीपीयू, कीबोर्ड, मॉनिटर जो है, या स्कैनर जो होता है वो अलग स्कैन करने काम आता है, तो कंप्यूटर का हिस्सा ना होकर कंप्यूटर से बाहर का हिस्सा होता है। इसका आंसर जो हो जाए स्कैनर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड ऑफिस 2007 की फाइल एक्सटेंशन होती है, तो यह डॉक्स, डॉक्स एक्स से एक्सटेंशन का जो होती है वो डॉक एक्स से जो है एक्सटेंशन होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा छोड़े गए अप्रैल 2014 तक उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो अब तक 74 74 उपग्रह जो है अब तक संख्या में छोड़े जा चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। इंटरनेट का कार्य है आंकड़े भेजना, प्राप्त करना। प्राप्त और भेजना दोनों ही काम जो है इंटरनेट के माध्यम से होते हैं, तो इसका तीन नंबर का ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आईसीटी उपयोग है ई साक्षरता, ई सम्मेलन, ई गवर्नेंस, तो सभी के लिए जो है ये एप्लीकेबल है, यूजफुल है, तो इसका आंसर चार नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत ने अपनी प्रथम भूमिगत न्यूक्लियर युक्ति का विस्फोट कहाँ किया था? तो ये जो न्यूक्लियर युक्ति का प्रयोग सबसे पहले पोखरण में किया गया था इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, बाद में अटल जी के टाइम पे किया गया। द्रवित पेट्रोलियम के अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या घटक होते हैं? तो ब्यूटेन और प्रोपेन जो होते हैं द्रवित पेट्रोलियम के घटक होते हैं, तो दो नंबर का ऑप्शन इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस क्रांति, आपको बता दूं मैं 1984 में दिसंबर 1984 के अंदर जो है MIC कांड हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस प्लांट से रिसाव होने की वजह से लाखों लोग वायु प्रदूषण की वजह से मर गए थे, तो इसका आंसर जो है चार नंबर का आंसर होगा। 1984 के अंदर MIC कांड हुआ था। मरकरी के द्वारा कौन सी बीमारी होती है? तो मरकरी से मिनमाटा याद रखोगे, कैडमियम से जो है इटाई डिजीज होती है, कैडमियम से कौन सी डिजीज होती है? इटाई, और मरकरी से जो होती है वो मिनमाटा डिजीज होती है। इसके बाद में होता है ध्वनि घातक, शोर प्रदूषक बन गई है, ध्वनि घातक शोर प्रदूषक है, 80 डेसिबल से ऊपर, ध्वनि का मात्रक जो होता है वो डेसिबल होता है, लेकिन 80 डेसिबल से ऊपर जो ध्वनि होती है वो ध्वनि प्रदूषक का कारण होती है, इसका आंसर ध्वनि प्रदूषक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से ई अपशिष्ट के निस्तारण के लिए सर्वाधिक विधि है, तो यदि ई अपशिष्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट है जैसे स्कूटर, कंप्यूटर, टेलीविजन, इनका पुनःचक्रण करना चाहिए, नए प्लास्टिक का निर्माण नहीं करना चाहिए, इन्हीं को पुनःचक्रित करके करना चाहिए, तो यही इनके, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है इसका। UGC एक्ट 2009 के अनुसार भारत में नए केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 12 है, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय खोले गए थे हमारे भी यहाँ, अजमेर के अंदर केंद्रीय विश्वविद्यालय किशनगढ़ के अंदर खोला गया है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जेनेटिक इंजीनियरिंग एवं जैव प्रौद्योगिक संस्था कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय जेनेटिक इंजीनियरिंग एवं जैव प्रौद्योगिक संस्था जो है हमारे नई दिल्ली के अंदर स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ओपन यूनिवर्सिटी जैसे अपने राजस्थान में अंदर इग्नू है, वैसे सबसे पहला जो खुला विश्वविद्यालय था वो आंध्र प्रदेश के अंदर था, तो इसका आंसर जो है एक नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान में क्षेत्रीय शिक्षा संस्था RIE कहाँ? अजमेर के अंदर स्थित है रीजनल कॉलेज, आप सभी को पता है, ये अभी अपने स्कूल मैनेजमेंट का भी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलता है। श्रीमती नाथी बाई दामोदर ठाकरे सी भारत की प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो देखो ये इसके नाथी बाई ठाकरे सी के दो केंद्र है, एक तो मुंबई भी है और पूना भी है,
लेकिन सबसे पहले ये प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरे जी ने। और श्रीमती नाथीबाई ठाकरे जी ने जो है सबसे पहले मुंबई में स्थापित की थी। इसका एक केंद्र और है, वो कहाँ है? वो पुणे में स्थित है। तो भारत में प्रथम जनजातीय विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में स्थित है। जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले मध्य प्रदेश के अंतर्गत की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा हमारे इसका। शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की जाती है, तो एनसीटीई मतलब राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा संस्थान के द्वारा पाठ्यक्रमों को मान्यता दी जाती है। जबकि शिक्षण विधियां और पढ़ाने के तरीके और प्रशिक्षण का कार्य जो है ये एनसीईआरटी करती है। तो दोनों का ध्यान रखना। लगभग इस प्रश्न में ज़्यादातर बच्चे गलती ये करके आए कि जो है कि एनसीईआरटी लिख के आए, जबकि एनसीईआरटी जो है पाठ्यक्रम निर्माण का काम करती है और पाठ्यक्रम निर्माण के साथ साथ शिक्षक प्रशिक्षण का भी काम करती है। जबकि एनसीटी जो है इन पाठ्यक्रमों जो एनसीईआरटी के द्वारा जो पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है उनको मान्यता प्राप्त करने का काम करती है। और लास्ट और अंतिम क्वेश्चन इस सेशन का हम करने जा रहे हैं कि तकनीकी पाठ्यक्रम सामान्यतः संचालित किए जाते हैं, तो टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है AICTE के द्वारा चल दिया था। ऑल इंडिया जो टेक्निकल एजुकेशन प्रोग्राम जो है AICTE के द्वारा किया गया था। ये आपका जो है कॉलेज एजुकेशन जो है UGC के द्वारा चलती है, मेडिकल शिक्षा ICMR और DST जो है डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू चलती है। तो ये आपका पेपर खत्म हुआ। पेपर आपको अच्छा लगा, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। यदि कोई इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है तो आप इम्प्रूवमेंट के लिए भी आप मुझे कमेंट्स करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।